हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में। और यहां पे अभी चल रहा है ऑटम का मौसम और जो ट्रीज है वो बहुत ही कलरफुल हो चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहां पे ना परसों अभी हैलोवीन है और इस वजह से यहां पे है एक पंपकिन फेस्टिवल, तो हम अब उसी फेस्टिवल में जाने वाले हैं और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पे स्विट्जरलैंड के खेत है पूरे फार्म्स, और ऐसे ही एक फार्म में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं फार्म में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ये ज्यूरिख का एयरपोर्ट है, आप यहाँ पे ये स्विस एयरलाइंस की प्लेन देख सकते हैं। तो ज्यूरिख का एयरपोर्ट जो है वो सिटी से थोड़ा बाहर है और हमारे इस ये जुकर फार्म के एकदम सामने ही है। और इस एरिया का नाम है क्लोटन, और उसी के सामने ये बहुत ही सुंदर एक ट्रेल है जहाँ पे बंदा स्केट करके आ रहा है, जबरदस्त। हम पहुंच गए जुकर फार्म में और यहाँ से दिख रहा है वो पंपकिन का स्टैचू बना हुआ कुछ। तो चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या है वो भी दिखाएंगे। बट यहाँ पे यहाँ से हमको ऐसे फ्लावर्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हाईवे पे ही है बिल्कुल, बड़े बड़े पंपकिन यहाँ पे रखे हैं। देखो कितना बड़ा ये कद्दू है। इससे कितने सारे सीड्स निकलते होंगे ना, ये यूज करते होंगे फिर पंपकिन सीड्स पे। सब कुछ पंपकिन का ही बनेगा, अभी हैलोवीन है तो पंपकिन का सूप, पंपकिन की पाय। चलो ये फ्लाइंग लेडी कुछ बनाई है, सब पास से जाके देखते हैं और फोटोज भी निकालते हैं, है ना। इस फेस्टिवल में ना, जो ये पंपकिन फेस्टिवल में ऐसे कुछ स्टैचू बनाते हैं तो ये काफी मस्त लग रहा है। एकदम छोटे छोटे पंपकिन है और काफी बड़े बड़े भी पंपकिन, और कलर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पंपकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा है ये, और ग्रीन है, फिर येलो है कुछ उस पर ग्रीन कलर का शेड्स टाइप, और ये वुमन फ्लाइंग वुमन बनाई हुई है, और ऑरेंज कलर के छोटे छोटे और येलो कलर के भी छोटे छोटे पंपकिन है यहाँ पे। तो पंपकिन के साइज़ की वैरायटी बहुत है। किशो चलो यहाँ पे फोटोज निकालो हमारे, है ना किशो। फोटो चाहिए नहीं इसके साथ, पसंद आ गई फ्लाइंग वुमन। वो बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बॉर्डर बनाई है कद्दू की। ये एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे और काफी मस्त लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के हैं ये पंपकिन, और वहाँ वो येलो शेड में है। तो ये ऐसे अलग अलग कलर्स में ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो काफी मस्त लग रहा है। और उस साइड भी कुछ भी है क्या, कृष्ण बैठेगा प्लेन में। यस वाओ, आगे चलते हैं। और ये क्या हैलोवीन का है नहीं, ये हैलोवीन का पंपकिन, बड़ा पंपकिन। रात को लाइट्स भी लगाते हैं शायद, फोकस लाइट्स। तो यहाँ पे ये फोकस लाइट भी रखे हुए हैं दोनों साइड में, दो वहाँ पे भी एक है। तो ऐसा पूरा ऐसा बनाया हुआ है वहाँ पे। हमने बहुत अभी फोटोज निकाल लिए, कृषु के भी है ना, कृषु 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 मस्त हंसता है देख देख के। यस, उसको अच्छा लगता है ऐसे। चलो चलो अभी सामने चलते हैं। उस साइड में भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, फिर चलते हो उस तरफ। और क्या क्या बनाते हैं, कद्दू की सब्जी, कद्दू के कद्दू का और कद्दू पाए, और इतने का तो यूज होते होंगे क्या। और यहाँ पे ऐसे वॉकिंग एरिया है पूरा ऐसे चलने के लिए, और साइड में पूरा हाईवे है वो। और यहाँ पे ये
बंदूक उड़ाएंगे अभी तो बनाया अभी उड़ाएंगे बोल से बंदूक इसको उड़ाएंगे कि ये सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाइट कद्दू है यहाँ पे वाइट कद्दू पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये तोहफों की सलामी और ये तो इसको मारेगा शायद अंकल जी बनाया है यहाँ पे कुछ ऐसे वाले कद्दू हैं जैसे शेप अलग ही है इनका ये वाले हैं और ये ग्रीन ग्रे कलर में हैं कुछ और सामने से दिखाती हूँ आपको कि ये अंकल जी कैसे दिख रहे हैं इसको उड़ाएंगे तोप से ये तो और शशांक वहाँ पे डांस कर रहे हैं कृषि को एंटरटेन करने के लिए कैसे लगा फिर फोटोज लेते हैं ना इसके सामने भी थोड़े मस्त है ये तोप के साथ ले रहे हैं तोप के साथ कृषि तू तोप पे बैठेगा क्या शशांक बोल रहे तोप पे वो बैठेगा वो जो उड़ाने वाला है वो बहुत ही सुकड़ा है करके वो ऐसे उड़ जाएगा तोप की जरूरत नहीं है उसको ऊपर उठा दिया है ना अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और यहाँ पे कितने सारे कद्दू देखना ऐसे ओपन में रखे हैं पूरे डेकोरेशन भी ओपन में है हाँ। ऐसा नहीं कि भी कोई कोई उठा के ले जाता होगा रात में या कुछ ऐसा नॉर्मल फेंसिंग भी नहीं की है फेंसिंग भी नहीं है कुछ नहीं सब ओपन में है पूरा हाँ। और इसकी कोई टिकट भी नहीं है फ्री में है आप आओ देखो यहाँ में अंदर में शायद रेस्टोरेंट वगैरह है उनकी शॉप भी है तो वो भी देखेंगे वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और अपने को कुछ अगर सूट करता है तो अपन भी देख लेंगे खरीद सकते हैं कुछ तो चलो हाँ चलो रुको मत बोल रहे त्रिशु चलो है ना त्रिशु को अभी नीचे घूमना है हाँ बास्केट में कितने सारे कद्दू और यहाँ पे फ्लावर्स भी है यहाँ पे ऐसे कद्दू हैं पंपकिंस और ये फ्लावर फ्लावर्स दिखाती हूँ आपको तो ये देखो एक अलग ही वेराइटी है फ्लावर्स में इतना प्यारा है ये तो ऐसे ही हैं बहुत सारे ये देखो ये मैंने इंडिया में कभी नहीं देखे ऐसे फ्लावर्स आपने देखे क्या और इसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं कलर्स में बहुत ही सुंदर दिख रहा है आप देख सकते हो तोड़ के शायद अपन लेके भी जा सकते हैं वाव सो ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर है आप देख सकते हैं और सामने सनफ्लावर्स हैं ये पूरे सनफ्लावर्स यहाँ पे हैं वाह और यहाँ से ये नज़ारा देख पीछे भी कितना अच्छा लग रहा है वाह हाँ यहाँ पे क्रिसमस खेल रहे हैं पम्पकिन के साथ चलो ये भी है ग्रीशु ये खेलो उसको ऐसे कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती हैं ए ए चलो अभी चलते नीचे वो शॉप की तरफ चलते क्या है कैसा है देखते अभी वो ग्रीशु छोड़ दे ये अरे वो ग्रास है बाबा तो यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले पे दिखाया है कि कितनी वैरायटी ऑफ पम्पकिंस यहाँ पे मिलते हैं करके तो आप देख सकते हैं बाप अरे बाप 50 तो कितने अलग अलग शेप्स हैं बहुत ही अलग है हाँ वही तो ये वाले होते देखो ये वाला तो कुछ अलग ही है ऐसे में ऐसे ये शेप का है ये पम्पकिन
है ना, बहुत ही वैरायटी है पम्पकिन में और उस साइड में। और ये तो देख बाप रे, ये तो एकदम स्नेक जैसा पम्पकिन दिख रहा है पीछे में देख। नाम वगैरह भी दिए होंगे। हाँ लोग इतने बड़े बड़े लेके जा रहे हैं ना, ये ना हेलोवीन में ये सजाते हैं इसलिए फिर ये लोग फिर बहुत खाते हैं यार, अपने को इसे पसंद नहीं है। हाँ नहीं, अपन एक आधी बार कभी सब्जी बनाते हैं इसकी बस। ये देखो ये इतने सारे वैरायटी हैं यहाँ पे, बाप रे ये शॉप्स में। ये देखो ये पम्पकिन कैसे हैं, ये अलग ही है यार ये। ये देखो ये पम्पकिन, ये पम्पकिन बहुत ही शेप्स में है ये पप्पा। ये देखो ये पम्पकिन स्टारफिश जैसा लग रहे हैं। यहाँ पे देख रहे थे बास्केट है जिसमें वैरायटी ऑफ पम्पकिन आप ले सकते हो बास्केट में। ये देखो ऐसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे एप्पल वगैरह भी रखे हैं और ये अंदर भी शॉप है क्या? और चल चलते हैं अंदर भी। हेलो, ये अंदर में भी ऐसी शॉप है। तो इस स्टोर में ना यहाँ फ्रूट्स भी रखे हैं और कुछ वेजिटेबल भी, फ्रेश वेजिटेबल्स रखे हैं यहाँ पे। थोड़ा देखते हैं चलो अंदर। टोमेटो सॉस, तो गाइस फ्रेश वेजीज में से हमने ये मूली लिया है रेडिश। हाँ ये ऐसे मिलते हैं यहाँ पे रेडिश, ऐसे कलर में होते हैं। और यहाँ पे ये सारी डेलिकेसीज रखी हुई है जो कि पम्पकिन से बनी हुई है। तो केचप है पम्पकिन का जैम है, मतलब ये तो गिफ्ट पैक्स है। हाँ यहाँ वाइन वगैरह भी, ये ऐसे कौन देता होगा गिफ्ट पम्पकिन लोग। हाँ और वहाँ पे वाइन भी पम्पकिन की बनी हुई है। ऐसा है ये शॉप अंदर से। हमें लगा था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी होगा तो हम यहाँ पे लंच करेंगे, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये शॉप ही है। तो खाने पीने का कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ चलो अभी चलते हैं। क्रिशु का तो है ना, क्रिशु का हमेशा रेडी होता है। यहाँ पे पॉपकॉर्न रखे हैं टेस्ट करने के लिए, तो कैरेमल और हाय लालम। हे टेक दिस टेक दिस टेक दिस, हे बगे 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 बगे। हाँ टॉप से बाहर आ गए और ये आप कद्दू देख सकते हो। ये पम्पकिन जो है इसका केजी लिखा है 440 kg का है ये। ओ माय गॉड कितना बड़ा पम्पकिन है ये, 440 kg मतलब क्या होता है यार, 500 केजी के आसपास। तो वैसे यहाँ से हम देखते देखते आए पम्पकिन की वैरायटी। तो यहाँ पे झूला भी है, तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, छोटा है पकड़ नहीं सकते इसलिए हम। उसकी टोपी निकल रही है, निकाल दे अभी थोड़ा उसको गर्म हो रहा होगा। देख रहा है बट वो बट उसको पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ते नहीं बन रहा है। और यहाँ पे पम्पकिन हाउस भी बनाए हैं, ये भी काफी मस्त लग रहा है और गाय भी रक्षा कर रहे हैं ऐसे दिखाए हैं। तो यहाँ पे अभी कृषि के खाने का टाइम हो गया है, तो कृषि बैठ के अपना लंच कर रहा है। हमें तो यहाँ लंच मिला नहीं हमारा, तो हमें बाहर ढूंढना पड़ेगा कुछ। बट मस्त जगह है यहाँ पे, फ्लावर्स तो बहुत ही सारे फ्लावर्स है यार हर जगह पे। हाँ बच्चों के लिए अच्छा है। इतने पम्पकिन वगैरह मैंने भी कभी देखे नहीं थे भाई, अपने भी पम्पकिन इतना पसंद नहीं, लेकिन यहाँ पे इनका हेलोवीन के वजह से बहुत ज़्यादा हाँ ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ये फिगर्स वगैरह तो बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। और यहाँ सनफ्लावर फील्ड है, मस्त है एकदम। तो गाइस पम्पकिन फार्म में तो वहाँ पे खाने के ऑप्शन नहीं थे, इसलिए हम इस रेस्टोरेंट में आए। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने में तो, और हमने ऑर्डर भी कर दिया और आ भी गया हमारा खाना अभी। तो अच्छा आपने क्या लिया है ये? मैंने चिकन की डिश ली है। हाँ चिकन की डिश, बस इसमें सैलड है, फ्राइज है और चिकन ग्रिल बढ़िया लग रहा है। हाँ और मैंने फलाफल रैप लिया है ये और टिश्यू सोया।
तो गाइस यहाँ पे हमारा पम्पकिन फेस्टिवल का वीडियो एंड होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें तो काफ़ी मज़ा आया इस पार्क में घूम के। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए स्विट्ज़रलैंड के बारे में। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।